आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसका पहला ही पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है और वो कह रहा है कि आपने इस इंटीग्रल को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इस इंटीग्रल को क्या करना है, इवैल्यूएट। अच्छा, जब मैं इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि ओ ये तो क्या है, ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की हम टेक्निक सीखते आ रहे हैं वन बाय वन करके। जब मुझे ये फ्रैक्शन नजर आई तो सबसे पहली टेक्निक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के लिए इंटीग्रेशन में मैं क्या यूज करता हूं, हम क्या करते हैं, हम इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ना तो पावर होल पे आएगी, क्योंकि दरमियान में प्लस है, पावर होल पे आएगी, माइनस वन पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। पहली टेक्निक फेल हो गई हमारी, हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर हम मूव करेंगे दूसरी टेक्निक की तरफ। दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि आप क्या काम करोगे, आप नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाना शुरू करो। अगर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बना सको तो, अगर आपने नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बना लिया है तो फिर जस्ट नीचे वाली वैल्यू का क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू का ऊपर, तो सिर्फ वन है, इतनी बड़ी वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका ही डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस ए, कहां से लाएंगे, समझ आ रही बात की, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका नीचे का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा। ये दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी थी, वो भी फेल हो गई। अब तीसरी टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। और तीसरी टेक्निक मैंने क्या सिखाई थी, a प्लस बी ओवर सी वाली फॉर्म हो तो लेस और लेस डिवाइड कर दो। तो यहां पे तो a प्लस बी ओवर सी वाली फॉर्म नहीं है, एक तो ऊपर a की वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यूज होती तो हम लेस और लेस डिवाइड की तरफ जाते। थर्ड टेक्निक भी जो है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो फिर क्या काम करें, तो यहां पर ऑब्जर्व करो, चौथी टेक्निक बताने लगा हूं, वो क्या है, सर्ट्स आ गए। क्या आ गए, सर्ट्स। इनको क्या बोलते हैं, ये सर्ट्स हैं। जब जितनी भी आपके पास वैल्यूज है ना, 3 + √2 √2 + √3 a + √b 5 - √x ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सर्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं, सर्ट्स। और इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इनको सॉल्व करने का हमारे पास एक ही मेथड है और वो क्या होता है, रैशनलाइज। जब भी आपको सर्ट्स नजर आ जाए ना इंटीग्रेशन में, तो आप उसको क्या कर दिया करो, रैशनलाइज कर दिया करो। ये मैंने भी पार्ट वन लिखा आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू का। अगर आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखोगे ना, वो भी क्या है, सर्ट्स। वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्यों, वहां पे भी इसी तरह जिस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके, इसी तरह आपने पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व आउट करना है। तो वो आपके लिए होमवर्क है। तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मेरी तीनों टेक्निक्स अप्लाई नहीं हुई तो मैं अब क्या काम करूंगा, मुझे पता चला कि ये तो सर्ट्स है और सर्ट्स को आपको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहां पर देखें मैं करने लगा हूं, इंटीग्रल एज इट इज लिखा 1/√x + a + √x + b एज इट इज आ गया। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डीएक्स। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये मैंने आपके सामने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर रिजल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रल ये सारी चीज वन से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या करते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये डीएक्स मैंने अभी एज इट इज लिख दिया। सर्ट्स आ जाए तो आप रैशनलाइज करके उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ही सिंप्लीफाई होगा ना क्वेश्चन, आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। सुनिएगा, अब यहां पर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स प्लस ए एज इट इज माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी एज इट इज, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बचा अंदर, x प्लस बी। लेकिन ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस बी और बाहर क्या है, dx। अब ये नेगेटिव x पॉजिटिव x से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a माइनस बी, और a माइनस बी डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, कॉन्स्टेंट, क्योंकि वेरिएबल तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए, वेरिएबल क्या हो गया, कैंसिल। तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन करते हुए, 1/a -
बी मैंने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल अंडर रूट के अंदर क्या बचा, इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डीएक्स। क्या आप इसकी इंटीग्रेशन करना प्रॉब्लम है, आपको साफ नजर आ रहा है यहां पर क्या लगेगा, पावर रूल अप्लाई, क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। क्यों, क्योंकि पावर रूल के लिए दोनों कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही हैं, पहली कि पावर माइनस वन नहीं है, दूसरी बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है, बेस का डेरिवेटिव वन जो कि अंडरस्टूड है के साथ मौजूद होता है। तो मैं अब यहां पर क्या करने लगा, जस्ट पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल क्या है, पावर में ऐड उसी से डिवाइड, ये 1/a - b कांस्टेंट मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 1/a - b कांस्टेंट एज इट इज, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये 1/a - b ये कंप्लीट इंटीग्रल के साथ है, दोनों के साथ है, लिहाजा इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस वजह से मैंने क्या यूज किया ब्रैकेट, और यहां पर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में ऐड उसी से, एक्स प्लस ए की पावर में ऐड करें तो क्या बनेगा 3/2 और उसी से डिवाइड 3/2, दरमियान में क्या है माइनस, और यहां पर भी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल अप्लाई करोगे, पावर में ऐड एक्स प्लस बी पावर में ऐड करेंगे तो 3/2 और उसी से डिवाइड 3/2, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट फाइनली क्या बन जाएगा, 1/a - b इंटू 2 इंटू एक्स प्लस ए होल रेस टू पार 3/2 ओवर डिनोमिनेटर में बचा 3 माइनस, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस बी होल रेस टू पावर 3/2 ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो 2/3 कॉमन ले लें या फिर इस 1/a - b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया है, और आपको होमवर्क में दे रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 पार्ट नंबर 3, क्लियर। तो अब मैं मूव करता हूं पार्ट नंबर 2 पे, पार्ट नंबर 1 की बात होगी, पार्ट नंबर 3 की बात होगी, अब हम किसकी बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 की। तो यहां पर मैं आपके सामने पार्ट नंबर 2 लिख रहा हूं, और पार्ट नंबर 2 क्या है, वो भी एक फ्रैक्शन है, पार्ट नंबर 2 में भी फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है, और हम उस पर बारी बारी फ्रैक्शन की टेक्निक ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं पार्ट नंबर 2 लिख रहा हूं, और वो क्या है, इंटीग्रल 1 - x² / 1 + x² dx। वो कहते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन कर दें, आपने फिर देखा कि ओहो ये तो क्या आ गया, ये तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अगर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले टेक्निक अप्लाई करो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, तो जब आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओगे तो पावर होल पे क्या आ जाएगी, माइनस वन, पावर रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसकी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। फिर आपने देखा अच्छा यार एक काम और करते हैं, हम नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बना लेते हैं, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बनेगा, सर्ज भी नहीं है, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाओ ना, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x तो नहीं है ऊपर, तो क्या है x², तो सेकंड टेक्निक भी फेल हो गई। तो फिर आप यहां पर देखेंगे यार सर्ज तो नहीं है, सर्ज भी नहीं, अगर सर्ज होते तो हम रैशनलाइज कर लेते जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो यहां पर आप आपको एक नई टेक्निक सिखाने लगा, ये याद रखनी, 1/1 नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, पावर रूल लगाओ अगर फ्रैक्शन आ जाए। दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास जो है नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनता है तो वो बना लो, हम नीचे वाली वैल्यू का लॉग ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगर वो भी नहीं हो रहा तो a + b/c वाली फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करो, वो भी नहीं हो रहा तो चेक करो कि सर्च तो नहीं है, नहीं है। तो अब एक और टेक्निक सिखा रहा हूं, वो टेक्निक क्या है कि देखो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। आपको पता है ना न्यूमिनेटर लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या होती है प्रॉपर होती है, और अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर या इक्वल हो किससे डिनोमिनेटर के तो फ्रैक्शन क्या होती है इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन क्या होती है इम्प्रॉपर होती है, इज दैट क्लियर। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो न्यूमिनेटर में डिग्री कितनी है, न्यूमिनेटर में डिग्री है 2, डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2, न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आ गई इक्वल आ गई, इक्वल का मतलब है ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको प्रॉपर डिवीजन करके किस में बदल दिया करें, आप उसको प्रॉपर डिवीजन करके प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया करें। इधर देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 - x² को अंदर रखूंगा और 1 + x² से
डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर को अंदर रखा और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा करने लगा हूं? क्योंकि हमें पता है कि ये फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है, और जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए हम उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में। और वेरिएबल से डिवीजन चेक करते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप कहेंगे माइनस वन से। तो माइनस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, माइनस वन को जब प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। आप जरा यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वन प्लस वन कितना हो गया टू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वेश्चन, और ये आ गया आपके पास डिवाइजर। यानी कि इस पूरी इंप्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है माइनस वन, प्लस रिमाइंडर क्या है टू, ओवर डिवाइजर क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन क्या बन चुकी है? ये फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर थी अब क्या बन चुकी है? इम्प्रॉपर। और इसकी इंटीग्रेशन करने के बजाय अब हम क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। और यहां पर लैदा लैदा इंटीग्रल अप्लाई करें, जरा लैदा लैदा इंटीग्रल तो अप्लाई करके देखो जरा। यहां पर इंटीग्रल माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, बचेगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहां पर माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस वन को इस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से मिला दें, माइनस एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन अब हमने करनी है। ये फिर फ्रैक्शन आ गई, ये फिर क्या आ गई है? फ्रैक्शन। बड़े गौर से देखिएगा, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको क्लियर करने लगा हूं। वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। और जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाए तो हम सबसे पहली टेक्निक क्या करते हैं? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाकर पावर रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो ले जाओ तो होल पे पावर माइनस वन आ जाएगी, पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बना लो, नीचे का डेरिवेटिव क्या बनता है? वन का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो 2x तो ऊपर नहीं बना सकते, 2 तो चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ले आओगे, x कहां से लाओगे? तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हम कर सकते, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। फिर a प्लस बी ओवर सी वाली फॉर्म भी नहीं है, सर्ड्स भी नहीं है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहां पर एक नया फॉर्मूला आपको सिखाने लगा हूं, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। मेरा आपसे सवाल यह है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है? पढ़ा आपने सेकंड चैप्टर करके आए, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कैसे रिवर्स है? एक्स का डेरिवेटिव लो क्या आ जाएगा? वन, वन की इंटीग्रेशन करो एक्स आ जाएगा, तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो मेरा आपसे सवाल यह था कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो है वो क्या है? वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? टेन इनवर्स एक्स। यानी कि जब भी कभी हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे? हम इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे? टेन इनवर्स x। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये दे दिया कि जब भी आपके पास इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस x के dx आ जाए तो उसकी जगह डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन में क्या करना है? आपने लिख देना है tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? और इसी तरह ये फॉर्मूला इस तरह से भी आ सकता है, इंटीग्रल 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। देखो 1 की जगह क्या आ गया? पहले क्या था? 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, आज है वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस, पहले कॉन्स्टेंट वन था आज कॉन्स्टेंट ए है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये दो नए फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, इंटीग्रल वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इंटीग्रल वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगी? वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। क्यों? वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव लोगे ना तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये तो डायरेक्ट नजर आ रहा है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डेरिवेटिव है किसका? टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टेंजेंट इनवर्स एक्स, और साथ क्या लगा देते हैं? प्लस सी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर
जो है टू का पार्ट नंबर टू किया है, तो पहले तीन पार्ट इसके साथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट नंबर फोर और ऑनवर्ड इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।